राम राम भाई सारा नायर। फिलहाल बम्बे हवा गाँव में मौजूद है हम, बम्बे हवा गाँव है ना। और भाई सफीदा विधानसभा में पड़े, इस गांव के लोगों के कहना है भाई कि वोट मांगने तो आ जाए इस गांव में नेता, लेकिन काम नहीं हो पाता क्योंकि यो इस लगभग नो बता रहा आखिरी गांव पड़ा है, काम नहीं हो पाता। भाई हमारे अगला मौजूद दिन तो बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई, ठीक हो? बढ़िया बिल्कुल जी। के कुछ समस्या बताओ, अगर बताओ। हमारे गाँव का ऐसा हाल हो रहा है जी, क्योंकि ये सफीदो हल्का का बिल्कुल लास्ट गाँव है और लास्ट गांव होने के कारण यहां पर सिर्फ वोट वोट लेने के अधिकार से आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। कुल मिला के यहां पर हमारे हल्के के 71 शायद विलेज हैं। अब लाइन से परली साइड जो भी काम होता है, पर इस साइड तो अब आप आए हो, यहां से आप घूम के आए हो, रोड भी बिल्कुल यहाँ से पट्टा हुआ है, बिल्कुल धूल उठ रही है। पर जिस तरह से भी इलेक्शन आते हैं उस टाइम तो फिर हवा हो जाती है कि भाई वोट हैं, 5-6 हज़ार वोट हैं, उस गांव में चलना पड़ेगा। क्या भाई हम वोट वोट डालने के लिए हैं क्या? हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें कुछ लेने के लिए तो वोट तो आ जाते हैं, पर जब देने का टाइम आता है फिर ये सोचते हैं भाई चलो अब तो बन गए यार, मस्ती करो, अपने साहब पेंशन बन जाएगी तुम्हारी है, फिर लुटक छुट्टी में रहते हैं जी। बहुत सारे विधायक बने, किसी ने तो काम करने की कोशिश करी होगी? नहीं, हम हमारे उसमें तो अब तक किसी ने नहीं की जी। अच्छा। कोई भी अगर विधायक बना है यहाँ पर इस तरह से कोई काम नहीं हुआ है। पर हम अभी साथी आए हैं, हमारे युवा साथी हैं, योगेश कुमार का साथ देने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, पर इसके लिए हमारा भाईचारा भी इकट्ठा है, सभी इनके साथ रहेंगे, पर हम उस वजह से साथ रहेंगे ताकि हमारा काम हो। ठीक बात है। ठीक है ना, ऐसे नहीं भाई कल को योगेश भी बन जाए तो फिर हमारा साथ छोड़ दे, हम इनको छोड़ने वाले नहीं। कैमरे के आगे बात कर लें, कैप्टन योगेश जी एक बार। भाई कह रहे हैं कि जब बनना हो वोट मांगने का टाइम तो आ जाए है, लेकिन बढ़ने के बाद कोई यहाँ कहन देंदा, ये शामी बोलने लग रहे हैं। अरनू का कैप्टन योगेश तभी हम ननू हैं, कदे बन जा और बाद में काम ना करें। भाई मैं तो पहले स्टार्ट कर दूंगा, बढ़ने पाछे की तो बात दूसरी है। अच्छा। जो आपकी समस्या होगी जैसे समय आ रहा है ना, जैसे मजबूती मिलेगी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, मैं पहले आपने न्यू जचा दूंगा कि हाँ पहले भी काम करा है और बाद की तो फिर भविष्य बता देगा काम करने के नहीं है। क्योंकि आप वो लोग हो जो किसी भी जो है ना कि पत्थर को जो है कि कब कहाँ हीरा बना दो, पासन बना दो, कब कीमती बेकीमती बना दो, वो आप लोगों के हाथ में है। और आने वाले समय आपको बता दूँ बड़े भाई कि 4.5 साल की कहानी होती है, 4.5 साल बाद में फिर बैठना है, फिर भी तो जवाब देना है। जो काम आने हैं वो काम करने हैं ना, सीधी सी बात है। जब काम करेंगे तो आपने जो है कि आप अपने सर आँखों पर बिठाओगे, नहीं तो अपने घर बिठा दोगे। ऐसी समझ में बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो काम भी करूँगा, बाद में भी करूँगा, नहीं करता रहूँगा भाई। कौन कौन सी बड़ी समस्या लगी है भाई गाँव में, जो सी आपने? हमारे गाँव में एक पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की। हाँ, पीने का पानी लेने के लिए हमारी बहन बेटी हैं, बहुएं हैं, जितनी भी बहुत ज़्यादा दूर जाती हैं, ये पानी की समस्या तो मेन है। अच्छा, कारण क्या है इसके पीछे, कारण क्या लगा? बस कारण ये बता दें भी, नीचे का बोर तो बहुत पानी ख़राब हो रहा है और इसके लिए हमें नहर पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं, बहुएँ हैं, जितनी भी हमारी चाचेदाई हैं, सभी को मटका उठा के अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पानी की मेन समस्या है। और दूसरी समस्या एक रोज़गार की है, और मैं ये चाहूँगा योगेश्वर भाई से, अगर ऊपर वाला खुश है और बन जाते हैं तो यहाँ पर कोई इस तरह की कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह कोई लगाएं, ताकि हमारे युवा साथियों को, बेरोजगार साथी हैं, उनको काम भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। उद्योगपति तो हैं कैप्टन योगेश कुमार, उसने व्यवसाय ने लेकर कह रहे हैं जी बड़ी। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यवसाय की क्रांति आए, उसके लिए ब्लूप्रिंट सारे रेडी है। सबसे पहले तो मैंने वही काम करना है, टॉप ऑर्डर की थी सबसे पहले यहाँ की जो डिमांड है, वो डिमांड जो है कि इंडस्ट्री को लेकर के है, कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पे आती है तो आप किस तरीके से संभव करोगे इंडस्ट्रीज वगैरह? संभव जो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक कोई भी एरिया होता है ना तो उसकी डेवलपमेंट प्लान आपको बनाने पड़ते हैं। उस डेवलपमेंट प्लान में कौन कौन से जो कि मेन कैंडिडेट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो लोकल बिजनेसमैन हो, उन लोगों को आपको सफीदो विधानसभा का प्रोजेक्ट कैसे दिखाना है कि भाई हमारे इस विधानसभा में आप आओ, आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्या क्या सुधार चाहिए, वो हम आपको करके देंगे। लेकिन हमें जो है कि आपकी जो है कि प्लांट यहाँ चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से सही।
हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप यहाँ पे आओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, लेकिन मेरे को जो है विधानसभा के अंदर डेवलपमेंट लानी है। प्राइवेट नौकरी के लिए तो अभी भी आप बोल रहे हो। तो मैंने बोल ही रखा है, सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल हो, चाहे गुड़गांव हो, तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा रोजगार तो मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से कर ही रहा हूँ। है बात में दम है कुछ? बिल्कुल जी, हम इनसे उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी तो क्या, उम्मीद पे रही दुनिया कायम है। ठीक बात है। और भाई साहब आएंगे, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ऊपर वाला इनकी मनोकामनाएं पूरी करे और हम भाई साहब के साथ लगे। धन्यवाद। बम्बेवा गांव के युवाओं से बातचीत करी है, क्या कुछ समस्या है वो इन्होंने बताई है और कैप्टन योगेश कुमार ने विश्वास दिलाया कि उनको पूरा करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि जब इलेक्शन के बाद दोबारा कैप्टन योगेश आएंगे तो किस तरीके से इनका स्वागत होगा और किस तरीके से फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे, तब पूछेंगे कितना काम इन्होंने करा है। फिलहाल राम राम सारा ने।